व्हाट्स अप गाइस, आज कर रहे हैं एक बहुत ही नए टाइप का वीडियो, जिम फेल्स के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा इंटरनेट में बहुत सारे ऐसी बार होता है कि लोग अतरंगी अतरंगी वर्कआउट करते हैं, फिर उनको अतरंगी अतरंगी चोटें लग जाती हैं, फिर एक लोशन बन जाता है कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही डेंजरस चीज है, डेडलिफ्ट मत करो, स्क्वाट मत करो, चोट लग जाएगी, लोअर बैक में लग जाएगी, क्लीन मत करो, गिर जाओगे, चक्कर आ जाएगा, छोटी मरे मत करो, बड़ी मरे मत करो, फिर लोग ये। तो आज का वीडियो देखो, अगर पसंद आया तो ऐसे और वीडियो बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, वील बी बैक। भाई साहब ने लगा लिया है बहुत ज़्यादा वेट, ये रबर वेट्स हैं, ये दिखते बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने बारीक होते नहीं है। पॉस्चर बिल्कुल सही है, हिप्स की पोजीशन बिल्कुल सही है, बैक बिल्कुल सही है, ग्रिप बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट हियर। ये गया गया गया, इसने खींचा है वेट लेकिन ये गया इस पॉइंट पे, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी निकल चुकी है, एटीपी बॉडी की खत्म हो चुकी है, इसकी लगने वाली है शर्त लगा लो, इसको ब्लैकआउट होगा। तो इसकी गर्दन पे इंजरी आएगी, सर पे जो लगेगी लगी लेकिन स्कल होता है थोड़ा मजबूत तो अंदर का बचा लेगा डैमेज। गया। और ब्लैकआउट होने की एक सबसे बढ़िया चीज़ है, जैसे ही ब्लैकआउट होता है वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए, उससे भी कम होता है, उसके बाद आप एकदम लगता है कि नॉर्मल हो गया, मैं कुछ नहीं हुआ, और उस 5 सेकंड में भूल जाता है जिंदगी में क्या हुआ। देख भाई ठीक है, देख ही स्टैंडिंग अप, ही इज फाइन बिकॉज द एटीपी प्रोडक्शन इन द बॉडी इज सो फास्ट। ब्लैकआउट जब होता है तो वो ब्रेन के पास और ग्लूकोज की कमी हो जाती है एकदम से, तो वो सब। दिस गाय लुक्स लाइक अ बॉडी बिल्डर बट स्टिल आई थिंक द वेट इज 1-2-3-340 किलो की डेड स्क्वाट मार रहा है ये। जिस हिसाब से अपर बॉडी है, अपर बॉडी देखो, शोल्डर्स देखो, ट्राइसेप देखो, बैक देखो और काफ देखो, कोई मेल नहीं खा रहा ये। राम गया। भैया ऐसे ही लगती है बैक में, इसको देख के मेरी बैक में दर्द हो रहा है भाई। अच्छा वो नीचे रैक्स लगे हुए थे, बहुत अच्छा। गया परफेक्ट पोजीशन, ग्लूट्स चिपके हुए हैं बेंच से, शोल्डर ब्लेड चिपके हुए बेंच से, बैक आर्क्ड है, फंस गया, कोई है भी नहीं। ऐसे लोग होते हैं जो इतना इतना ही को होता ना, वो किसी को बुलाने में शर्माते हैं भाई, आजा हेल्प करते, शर्म आती है उनको कि भाई क्या सोचेगा। अरे भाई ये तो मेरे को देखने से डर लग रहा है, क्या करने जा रहा है भाई, वो भी शर्ट खोल के इतना कॉन्फिडेंस। पकड़ तो लिया, ओ गलती देखो यहाँ पे, गलती यहाँ पे क्या हुई कि इन्होंने अपनी ग्लूट्स या एस पहले उठाई, टांगों में जान खत्म हो गई, ग्लूट्स एस पहले उठाई, अब अलाइनमेंट खराब हो गया बॉडी का, अब उन्होंने अपर बॉडी उठाई, खत्म। एक साइड में लोड आ गया है, हिज राइट साइड इज लोडेड। लॉक नहीं लगाए, फिसल गई। लो कभी कभी क्या होता है जहाँ वेट लगाते हैं बहुत स्मूथ होता, बट भाई तालियां, एक तरफ से वेट निकल गया फिर भी इसने संभाले रखा। इसने इतने जोर के स्ट्रैप्स बांधे हुए अपने कि इसका ब्लड फ्लो बहुत जल्दी रुक जाएगा। इस मतलब इतने जो देख रहे हो, उसकी नीज बेंड नहीं हो रही, द वे ही वॉक्स यू कैन सी दैट। और ज़्यादा देर आप नहीं रह सकते, अगर आपने बांध के आप वेट करो, बांध लिया आपने, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ भाई आ जाओ रेडी हो जाओ, मतलब वो घुस नहीं पा रहा भाई अंदर, वो घुसा रहा उसको पीछे से धक्के मार मार के। अरे भाई साहब उसने तो स्क्वाट मारने की जरा गुड मॉर्निंग मार दी भाई, वो भाई साहब सोचा कि हाथ मार के पकड़ लूंगा उसको मैं, ये मैं शक्ति मानू। ही लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग गाय, उठा लेगा वेट, मुझे लगता नहीं। लोग बोलेंगे यहाँ पे बैक थोड़ी सी राउंड है, बट व्हेन यू लिफ्ट योर मैक्स 1 रेप मैक्स, इतना अलाउड होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन में, मतलब इतना हो जाता है, ये थोड़ी ज्यादा हल्की सी ज्यादा है, बट एज यू गो अबव योर बॉडीज लिमिट थोड़ा सा हो जाता है। अगर इसको रेप्स के लिए करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपका एम है 8 रैप पाना, 9 रैप पाना बॉडी बिल्डिंग के लिए, इसको नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 रैप मैक्स निकाल रहे हो जस्ट फॉर 1 टाइम, यू कैन डू इट। ओह उल्टी मार दी भाई ने, उल्टी मारी। अरे भाई साहब कितनी मारी, मैंने बहुत बार देखा था, बहुत बार होता है उल्टी मारते रहते, लोग मारते रहते हैं और उसमें 2-3 रैप और निकालते हैं, दूसरी तीसरी में भी उल्टी मारते हैं, ये कलाबाजियाँ कर रहा है बंदर, मरेगा ये। अबे साले तेरे से 60 किलो नहीं उठता, कलाबाजियाँ तेरे से करा लो, ये भी कलाबाजियाँ कर रहा है। जिम में कलाबाजियाँ मत किया करो, देखो अगर तुम हा तड़प रहा यार वो, ये बताया लोग कलाबाजियाँ क्यों मारते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ोन लगा हुआ है वीडियो लेने के, वीडियो के लिए ही कलाबाजियाँ मारते हैं और ऐसे वीडियो ये लोग पोस्ट भी कर देते हैं। देख इसने भी वीडियो के लिए बना रहा है वीडियो, ये सामने लगा हुआ है कैमरा और कैमरे में देख रहा है बंदा। ये
जीवन में कुछ भी करो अपनी औकात से ज्यादा वेट मत लगाओ। बात घुटना उसका गोड्डा उसके यहाँ जाके घुसा है। मशीन तोड़ दी भाई, ये देखो साइड वाले, ये देखो ये जो साइड के डंडे होते हैं ये बहुत ही सॉलिड होते हैं, ये डंडे टूट गए भाई, ये देखो ये देखो गया वो डंडा किनारे निकल गया। इसके भी बहुत ज्यादा वेट था। तो आप सब देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिम में तब होता है जब अपनी औकात से ज्यादा वेट आप बार पे लगा लेते हो और आपको लगता है कि आप नहीं उठा पाएंगे, बट फिर भी वीडियो बनाने के लिए आप लगा लेते हैं। नी रैप्स लगे हुए हैं, बंदे बैठे हुए हैं, फुल प्लेटें लगी हुई हैं, बंदा भी पावर लिफ्टर टाइप लग रहा है, लग रहा खाली कुछ कह नहीं सकते। और ये क्या स्ट्रेचिंग कर रही लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल। हाथों में चॉक लगी हुई है, शूज वेटलिफ्टिंग शूज हैं, अच्छे से ग्रिप ले ली है बेंच पे। अबे ये मुझसे नहीं देखा जाता यार, ये लोग वेट नीचे क्यों लाते हैं, ये अपना पेट ही ऊपर क्यों नहीं लाते, ऐसे वेट पकड़ो और पेट अपना ऊपर ले जाके रैप लगा ले। ये देखो भाई पीछे आ रहा है लड़खड़ाते हुए, हिल रहा है, मतलब दिस वेट है बंदे की टांगों में जान है, लेकिन हाथ हिल रहे इसके, बहुत वेट है। और ये बोल सके कि हमने स्क्वाट मारी है, बट एक्चुअली नॉट अ सिंगल मसल वाज मूव्ड ऑन दैट डे। बहुत ज्यादा वेट लगा ऊपर, ऊपर भाई ये तो माना ही नहीं जाएगा कि आपने कुछ करा। क्या कर रहा है, अपने पंजे पे खड़ा हुआ है क्या? ओए भैया स्प्रिंग लगा इसके, को ये क्या चीज है, पहली बार देख रहा हूं मैं भाई। तो माइकल जैक्सन का पेल्विक थ्रस्ट मार रहा है भाई ये। ओ भाई साहब बाल देखो, बालों का बाउंस दिखा रहा है बे। वॉच दिस वीडियो, दिस गाइस अबाउट टू डू स्क्वाट्स। ट्रेनर की भी कुछ खास इतनी फिजिक लग नहीं रही है। ट्रेनर अपने आपको कह रहा है अपने पट्टे मार रहा है, चलो भाई चलो उसको मारने की जगह। ट्रेनर ने जयराम जी की पहले कर ली, क्योंकि ट्रेनर को भरोसा कम है इस लॉन्डे के ऊपर। क्योंकि ट्रेनर्स को जो आसपास देखते रहते हैं उनको पता होता है कि उनके जिम में जो बंदे आ रहे हैं किसकी कितनी औकात है और कौन कितना उखाड़ सकता है। मेरे को बोलते हैं कुछ लोग आके, भैया वो जो है इतना लगा लेते हैं उठा पाते नहीं है, सब हमको ही उठाना पड़ता है, क्या करें। चलो करने से होगा नीचे जाओ ऊपर। ओ भाई साहब तो हाफ रैप, दोनों ही हाफ रैप मार रहे, क्या रैप निकल रहा पता नहीं। और रख भी दिया मुझे लगा भी वार्म अप हुआ भी करेगा, क्योंकि मैं भी शुरू में क्या करता गाइस, मैं भी शुरू में एक हाफ रैप लेता हूँ, मैं वेट का फील लेता हूँ, पहले तो मैं क्वार्टर रैप लेता हूँ फिर हाफ रैप लेता हूँ, वेट का फील लेके फिर मैं नीचे जाता हूँ। बाकी तो भाई चलो, डेडलिफ्ट में जो मूर्ख लोग सपोर्ट लेते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि डेडलिफ्ट में सपोर्ट देने का क्या फंडा है। फर्स्ट चीज़ आप देखेंगे स्लो मोशन में, उसको दिखाता हूँ गलती कहाँ पे हुई है। गलती कहाँ हुई, ऐस बहुत जल्दी उठ गई, टांगों ने मूव करना शुरू किया नहीं, बैक पूरी राउंड है यार, क्या कर रहे हो, उसका पीछे वाला भी गधा तुम भी गधे। पीछे वाला बंदा तो मजे ले रहा है शीशे में अपने आपको निहार रहा है, ऐसे करके उसको बॉडी सीधी कर रहा है। और ये ओह पीछे वाले ने पेल्विक थ्रस्ट लगाया तब जाके उसकी बट सीधी हुई। सबसे ज्यादा डेंजरस होता है जो इंडियन जिम्स में बंदे साइड में खड़े कर लेते हैं। ये बंदा लाल टी शर्ट में बीच में खड़ा है, ठीक है सपोर्ट के लिए। ये जो बंदे साइड में खड़े हैं ये कॉपी कर लेते हैं जब इंटरनेशनल अरीना में कॉम्पिटिशन होते हैं वेट लिफ्टिंग के पावर लिफ्टिंग के, तो वो लोग साइड में इसलिए खड़े होते हैं कि जब वेट ड्रॉप होगा तो हम उसको कैच करें। ये लोग सपोर्ट के लिए नहीं खड़े होते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक बार मैं 220 की ले रहा था, तो लोग उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, अपने आप हेल्प देने के लिए साइड में खड़े हो जाते हैं, और एक साइड से लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, एक साइड सपोर्ट देते हैं। एक मेरे साथ हुआ, एक बंदे ने सपोर्ट दे दी, मेरा पूरा वेट एक साइड को, मेरी कमर में राइट साइड पूरा जोर पड़ गया, इतना जोर से चला इसके ऊपर मैं कि भाई जो बंदा वर्कआउट कर रहा है उसने बुलाया है तो आओ वरना मत आओ। ये बेस्ट सीन जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, दिस इज द लास्ट सीन ऑफ आवर वीडियो टुडे। पूरे वेट्स लगा लिए, सारे लौंडे लपाटे आ गए हैं और इनका हम रेंज ऑफ मोशन देखेंगे गाइस। एक बंदे को अनलॉक करने के लिए चाहिए, इसको ये दिखाते हैं कि इनकी एक बंदा विक्ट्री, इसकी विक्ट्री ऊपर वाले की भाई अनलॉक। ये देखो बस यही इनका रेंज ऑफ मोशन है, पीछे वाले ऐसा लग रहा है जैसे ऑटो में बैठे, ट्रक में बैठे और जैसे इनको झूला आ रहा हूं। ये अगर आप करते हैं अपने जिम में, आपको दिखता है कि आपके आसपास कोई करता है तो तुरंत बंद कर दीजिए करना। बाय बाय, नमस्कार, बहुत ही जल्द मिलेंगे विद अनदर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें और बताइए, ऐसे वीडियो और बनाएंगे।